टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट यूएई और ओमान में खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई ने विराट कोहली की कप्तानी वाली 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। इस टीम में 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने घरेलू स्तर और आईपीएल में खूब कमाल किया है। आइए एक नजर डालते हैं इन्हीं युवा खिलाड़ियों पर। सूर्य कुमार यादव, धाकड़ मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला है। टी20 वर्ल्ड कप की टीम में सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर बल्लेबाजी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सूर्य कुमार ने लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में कमाल दिखाने के बाद वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह बनाई है। अक्षर पटेल, सेलेक्टर्स ने सभी को चौंकाते हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल को भी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में सेलेक्ट किया है। यूएई की पिचें स्पिनर्स की मददगार होंगी, इसलिए अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। अक्षर पटेल को रिजर्व ऑलराउंडर के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में मौका मिला है। ईशान किशन, टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी ईशान किशन को पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला है। इस खिलाड़ी ने अपने आप को साबित किया है। ईशान किशन ताबड़तोड़ बल्लेबाज और शानदार विकेटकीपर भी हैं। आईपीएल में ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस को कई बार अकेले दम पर मैच जिताया है और अब वो टीम इंडिया को भी टी20 वर्ल्ड कप में ऐसे ही जीत दिलाना चाहते हैं। वरुण चक्रवर्ती को पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला है। भारत के पास वरुण चक्रवर्ती के रूप में एक मिस्ट्री स्पिनर है जो 7 तरह से गेंद फेंक सकते हैं। इनमें ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, गुगली, कैरम बॉल, फ्लिपर, टॉप स्पिन, पैर की उंगलियों पर यॉकर आदि शामिल हैं। राहुल चाहर, टीम इंडिया के 21 साल के लेग स्पिनर राहुल चाहर को पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला है। पिछले कुछ समय से राहुल चाहर बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में भी राहुल चाहर ने अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था। इसके अलावा राहुल चाहर को मुंबई इंडियंस टीम से खेलने का भी अच्छा खासा अनुभव है। ऋषभ पंत पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। विस्फोटक बल्लेबाजी में माहिर ऋषभ पंत की प्लेइंग 11 में जगह पक्की है। ऋषभ पंत इसके साथ ही विकेट कीपिंग का जिम्मा भी संभालेंगे। ऋषभ पंत इससे पहले वर्ल्ड कप 2019 में खेलने का अनुभव रखते हैं। केएल राहुल को पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला है। इससे पहले वो भारत के लिए 2019 का वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। राहुल को ओपनर के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। राहुल को टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करने के लिए शिखर धवन को बाहर किया गया है।